मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा और मैं चाहता हूं कि आज हम शहीदों को याद करना चाहते हैं। जश्न-ए-भारत है, हम यहीं से शुरू करना चाहते हैं। अनामिका जी, हम यहीं से शुरू करना चाहते हैं। हम कहां से शुरू करना चाहते हैं? जश्न-ए-भारत है, भारत का जश्न, यानी अता दिल को मेरे ईमान की अनमोल दौलत हो। आप पंक्तियां अच्छी हो तो आपका आशीर्वाद मिले, और ये भी पता चले कि पंक्तियां अच्छी हैं तो अच्छी पंक्तियों पर आपका आशीर्वाद मिलता है, इधर उधर की बातों पर भी मिलता है और अच्छी पंक्तियों पर भी मिलता है। चार पंक्तियां जश्न-ए-भारत को दे रहा हूं कि अता दिल को मेरे ईमान की अनमोल दौलत हो, अता दिल को मेरे ईमान की अनमोल दौलत हो, प्रभु इस देश से अपने मुझे इतनी मोहब्बत हो, जीव इस शान से कि मौत मेरे नाम से कांपे, मैं मर जाऊं तो मेरी आंख की पुतली में भारत। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, आपका आशीर्वाद मिल गया। मैं डर रहा था कि पंक्तियां, लेकिन मैं जानता हूं बनारस की धरती कणकण में साहित्य है, कणकण में अदब है, हिंदी हो या उर्दू हो कोई मतलब नहीं, आप सबको प्यार करते हैं, आप सबको प्यार करते हैं। अता दिल को मेरे ईमान की अनमोल दौलत हो, प्रभु इस देश से अपने मुझे इतनी मोहब्बत हो, जीऊं इस शान से कि मौत मेरे नाम से कांपे, मैं मर जाऊं तो मेरी आंख की पुतली में भारत। बहुत बढ़िया, और हम शहीदों को याद करते हैं। दमदार भाई सुनिएगा, हम शहीदों को याद करते हैं। शहीदों को कैसे याद करते हैं? शहीद कभी मरता नहीं, शहीद कभी मरता नहीं, शहीद हमेशा जिंदा रहता है। हमारे हमारे मुस्लिम मेथोलॉजी के अनुसार भी और हमारी मेथोलॉजी के अनुसार भी शहीद कभी मरता नहीं। इसके समर्थन में चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। वफादार कह के मुकरते नहीं है, 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 जवान मर्द मरने से डरते नहीं है, तो सरे जंगे राहे वफा के सिपाही कफन ओढ़ लेते हैं, मरते नहीं है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। वफादार वफादार कह के मुकरते नहीं है, सब सब बड़े शायर बैठे हैं पूरे देश, ये अपने ही देश के नहीं बल्कि पांच छह देशों के शायर बैठे हुए हैं, सब 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 बड़े हैं, सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने कहा कि वफादार कह के मुकरते नहीं है, जमा मर्द मरने से डरते नहीं है, सरे जंगे राहे वफा के सिपाही कफन ओढ़ लेते हैं, मरते नहीं है। और ये जश्न-ए-भारत है, ये भारत है भारत, ये मैं कहता हूँ कि हिमालय की बुलंदी से एक ललकार उठी थी, हिमालय की बुलंदी से एक ललकार उठी थी, वो चूड़ी की नहीं तलवार की झंकार उठी थी, और हिमालय की बुलंदी से तालियों के लिए हाथ तैयार रखिए कि हिमालय की बुलंदी से एक ललकार उठी थी, वो चूड़ी की नहीं तलवार की झंकार उठी थी, और हिलाकू कांप उठा और हिल गया चंगेज का सीना जब हिंदुस्तानियों के हाथ में तलवार उठी थी। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह शंकर जी कमाल कर रहे हैं। दमदार भाई, दमदार जी कहाँ हैं? आइए, हमने कहा कि हिमालय की बुलंदी से एक ललकार उठी थी, हिमालय की बुलंदी से एक ललकार उठी थी, वो चूड़ी की नहीं तलवार की झंकार उठी थी, हिलाकू कांप उठा और हिल गया चंगेज का सीना जब हिंदुस्तानियों के हाथ में तलवार उठी थी। हिंदुस्तान क्या है? वफा दिल को मेरे ईमान की अनमोल दौलत हो। आप समझ ले दमदार बनारसी ने क्या काम किया है, आदरणीय सांड बनारसी जी हम लोग के गुरुवर हैं, इन्होंने क्या किया, आलोक त्रिपाठी जी ने क्या किया है, काम वो किया है। जंगल में आग लगी थी, लोग अपने अपने तरीके से बुझा रहे थे दिन भर, और एक गोरैया अपनी चोंच में थोड़ा सा जल लेकर के आग पे डाल रही थी, दिन भर कौवा उसको देख रहा था। कवे ने शाम में कहा, अरे मूर्ख गोरैया तू क्या समझती है, तेरी चोंच में जो थोड़ा सा जल है जंगल की भयानक और भयावह आग ये बुझ जाएगी। जो गोरैया ने जो जवाब दिया, अगर वो सांड बनारसी जी का जवाब हो, दमदार बनारसी का जवाब हो, आलोक त्रिपाठी का जवाब हो और बनारस का जवाब हो, तो आप तालियों से समर्थन कीजिएगा। कवे ने कहा कि मूर्ख गोरैया तू क्या समझती है, तेरी चोंच में जो थोड़ा सा जल है इतनी भयानक और भयावह आग बुझ जाएगी। गोरैया ने कहा कि मैं मुझे भी पता है ये भयावह आग ये मेरी चोंच में जो थोड़ा सा जल है उससे नहीं बुझेगी, लेकिन जब जंगल में आग लगाने वालों और आग बुझाने वालों का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। बहुत खूब, वाह 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 वाह, ये है असल।
असल असल बात ये है। आइए मैं चाहता हूँ कि ये चाय वाले इधर से उधर उधर से उधर उधर चाय वाले कह भी नहीं सकते हैं, उसमें भी बनारस में हमें हमें अगर बात पहुंच गई हो तो एक बार जोरदार तालियां आपकी वजह से। ये बनारस के लोग हैं जिसको जिता देते हैं प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जिसको हरा देते हैं मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये बनारस में खूबी है, ये खूबी केवल बनारस में है और ये कहीं खूबी नहीं है, ये केवल बनारस में है। मैं ये कह रहा था हम हिंदू हैं मुसलमान हैं सिख हैं, आइए मैं पैगाम देता हूँ क्योंकि आलमी मुशायरा और कवि सम्मेलन है, मुशायरा भी है कवि सम्मेलन भी है, मुशायरा भी है कवि सम्मेलन भी है, हिंदी उर्दू का संगम है। ये मुश्तरका तहजीब जो है भाई, चाय वाले भाई भाई चाय वाले दो मिनट के लिए रुक जाइए शंकर जी, वो दो मिनट के लिए खाली रुक जाइए और वहीं बैठ जाइएगा। इस तरह से बैठ जाइएगा जैसे समझिए कि आप पैदा ही नहीं हुए, बहुत बढ़िया, मतलब फिर आ जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप तो पैदा तो हो ही गए हैं। ये पांच मिनट के लिए वो कॉफी वाले हैं और कॉफी वाले के लिए भी कुछ नहीं कहना पड़ता है, पता नहीं चलता कब राष्ट्रपति बन गए। हाँ ये तो बात है, आप बड़े बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा, असल 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 हम आपकी तरफ देखना नहीं चाहते, हम आपकी तरफ देखते हैं तो हम अपना शेर ही भूल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इधर रो के बात कर रहे हैं। आश्वस्त रहिए, देखे आप बिल्कुल ऐसे मत रहिए, परेशान मत होइए, क्योंकि अनमोल हूँ मैं, तुम तो मेरा दाम नहीं हो। मैं आश्वस्त कर रही हूँ, आप कुछ मत भूलो। अनमोल हूँ मैं, तुम तो मेरा दाम नहीं हो, मैं जिसको याद रखूँ ऐसा नाम नहीं हो। और मिल जाएंगी तुम्हारी गोपियाँ तुम्हें कहीं, मैं जिसकी राधिका हूँ तुम वो श्याम नहीं। आप तो अपने काव्य पढ़ते हैं, काव्य पाठ करते हैं। अब देखिए हम बिला वजह लगना नहीं चाहते, प्यार से कह रही हूँ, हम चाहते हैं कि अनामिका जी देश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवित्री हैं और बहुत नेक भी हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो हमारे यहाँ आते हैं हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। मैं ये कह रहा था कि हम हिंदू हैं, मैं ये कह रहा था कि उठा दो ये बाजार दीनों धर्म का, सड़क पे हरम या शिवाला ने बेचो, नमाजी करो बन तस्बीह का सौदा, पुजारी की तुम अपनी माला ने बेचो, जो इंसानियत का लहू पी रहे हैं, रहो अंदर इंदो से होशियार यारो, तुम अपने घरों की छुपी आबरू को बना के हवस करने वाला ने बेचो, बहुत हो चुकी आबरू ये शराफत, बहुत हो चुकी दोस्तों ये तजारत, लगाओ ना गंगा जमुना की कीमत, पड़ोसी के हाथों शिवाला ने बेचो, गिराओ ना बाजार का भाव इतना कि छीन जाए मुझसे गरीबों की रोटी, भिखारी के हाथों से छीना गया जो उसे कहकर रंगीन प्याला ने बेचो, तुम्हें यार शंकर सदा दे रहा है, वतन ये तुम्हारा है इसको संभालो, कि शहीदों का जिसमें लहू जल रहा है तुम ऐसे दिए का उजाला ना बेचो। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। मैं वाह 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 शंकर जी, बहुत बढ़िया। मैं आकाशवाणी पटना में पोराम स्कूटी ऑफिसर हूँ और आपके बीच हूँ, कल मेरा कार्यक्रम सुपौल में है तो मुझे थोड़ा तेजी से जल्दी निकलना भी है, तो इसीलिए मैंने आग्रह किया था कि थोड़ा जल्दी हम पढ़ लेंगे। हमने कहा कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, हम सबसे पहले आदमी हैं, सबसे पहले आदमी हैं, और हमारे 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 सब मुस्लिम भाई भी हैं। आदमी को अशफुल मखलूकात कहा गया, जितनी जो कायनात में जितनी मखलूकात हैं उसमें अशरफ हमको कहा गया है, इसलिए मैं कहता हूँ आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। मंच का भी आशीर्वाद मिले कि आदमी को आज के आज के आज के प्रोग्राम का ये मकसद है, आज के प्रोग्राम का ये उद्देश्य है कि आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे इशार होना चाहिए। पहले हम हैं आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये मुशायरा इसी के लिए हम कराते हैं, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे इशार होना चाहिए। पहले हम हैं आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। सुनिए चार पंक्तियाँ, वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे, लाया हूँ बंद करके मैं साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। क्या बात है, आज जश्न-ए-भारत में
मैं ये कहता हूँ कि किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी हाफिज के दिल में जिस तरह कुरान सोया है, ये तुर्बत है शहीद कौम की, ताजीम लाजिम है कि मेरे साथ मेरे दिल में हिंदुस्तान सोया है। क्या बात है। आइए मैं चाहता हूँ यहीं से आपसे रुखसत हूँ, एक संदेश दे करके, एक पैगाम दे करके, ऐ वतन के मुजाहिदों जागो, ऐ वतन के मुजाहिदों जागो, मूर्छा के सिपाहियों जागो, मादरे हिंद के शेरों जागो, ऐ वफादार दिलेरों जागो, राम रहमान के प्यारों जागो, गांधी नेहरू के दुलारों जागो। फिर हिमालय पुकार करता है, जंग का इंतजार करता है, सरहदे मुल्क की बुलाती है, सिंध की वादियाँ जगाती है, इस चमन की बहार तुमसे है, देश माँ का सिंगार तुमसे है, आर्यों की तुम ही कहानी हो, तुम शहीदों की जिंदगानी हो, जोश खाता हुआ लहू तुम हो, हर सुहागन की आबरू तुम हो, तुमको दुश्मन भी वीर कहते हैं, राम अर्जुन का तीर कहते हैं, तुमसे गंगा की शान बाकी है, तुमसे जमुना की आन बाकी है, आओ हैदर का हौसला लेकर, आओ हनुमान की गदा लेकर, आओ कश्मीर के नजारों से, आओ पंजाब के चौबारों से, आओ आसाम की चट्टानों से, आओ बंगाल के मकानों से, आओ गुजरात के ऐवानों से, आओ केरल के आशियानों से, आओ चंबल नदी के गांवों से, आओ नेपाल की गुफाओं से, आओ उत्तर प्रदेश के दिल से, आओ गोवा दमन के साहिल से, आओ मद्रास और कन्या से, बम्बई रामपुर मथुरा से, आओ कुटिया और महलों से, आओ गोकुल नगर की गलियों से, तो आंध्रा के दयार से आओ, बन के आंधी बिहार से आओ। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत ही शानदार बात कही।